हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है जोहेब शेहवाज और मेरा नाम है समीर शेहवाज। सो गाइस, आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, वो बेसिकली एक ईद व्लॉग है शेख इब्राहिम का, और हमें अभी उनके बारे में टोटल ही इंफॉर्मेशन नहीं है। सो फर्स्ट टाइम उन पे हमें रिएक्ट करना है। हाँ जी, और सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईद मुबारक गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से, इनफैक्ट पूरी इब्राहिम फैमिली की तरफ से ईद बहुत 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 बहुत, बहुत मुबारक। यस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से यहाँ से ईद का ब्लॉग शुरू होता है। अभी बस आपने चांद का ब्लॉग दिखा हुआ कि रात भर हम जागे हैं, और अभी सुबह खाना वगैरह सबको किट्स वगैरह बांट के घर आया, अभी सोया नहीं हूँ। फिर नमाज अदा की, नियाज दिया, और उसके बाद अभी हम जाएंगे नीचे अम्मी से मिलने। उसके बाद वहां से आके मिलने के बाद फिर मैं थोड़ी देर की सुकून की मैं नींद लूंगा। तो बस अभी चलते हैं अम्मी लोगों से मिलने, सलाम करते हैं, उनको ईद मुबारकबाद देते हैं। चलिए, घर का ही व्लॉग है। ईद मुबारक। पापा ईद मुबारक। रिजा वो बेचारी जो पानी में लग गई तो कोई ना कोई सुना देता है, सोई नहीं है ना वो भी। दिखाओ पैर, दिखाओ पैर, दिखाओ ये देखो सभा के पैर ऊपर। कल रात में सभा बेसिकली अपनी बालकनी डेकोरेट कर रही थी, तो ये उसी का पूरा पैर का जो है निशान। अभी सुबह लगाई है मेहंदी इसकी। ये देखो इसने क्या किया। अरे वाह, ये देखो दिप्पी। अरे वाह, इधर लगा रहे हैं। ये पल्लू से छुपा लेंगे। ओहो, अच्छा चांद रात वाले तो ये भी दीदी काफी प्यार लगता है। साफ कितनी है? 2000। अब ये क्या बात हुई, मेरे 1500 क्यों? ये क्या बात हुई अम्मी, 2000 क्यों? ये क्या बात है यार, अम्मी ने पिछली बार भी बोला था कि ईदी भी हम शानू को कम देते हैं, मुझे ज्यादा देते हैं, पिछली बार बोला था अम्मी ने, आप भूल गए। गलत बात अम्मी, मैंने कल आपको 3 किलो गोश्त ला के दिया अम्मी, गलत बात। इसलिए तो 1500 दिए वरना 1000 देती। हमने 2 किलो मंगाया था, आप ही लाए 3 किलो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको और ज्यादा खाने को मिलेगा। बिल्कुल, आप दिखाओगे पापा, देख रहे हो? तो अम्मी से मिल लिया है, सबको मुबारकबाद दे, सबको इतनी मुबारकबाद दे दी है। अभी मैं कुछ देर आराम करूंगा, रात भर सोया नहीं हूँ, उसके बाद फिर उठ के फिर नीचे जाएंगे लंच के लिए, और फिर देखते हैं फिर शाम को फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, दिन कैसे गुजरेगा। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय। और जैसे ही मैं सोने गया तो उसके बाद फौरन से आ गए दीपिका के डैड यानी मेरे ससुर जी, तो उसके बाद भी मैं नहीं सो पाया, हम बैठ के गपशप कर रहे थे। हम अपने बच्चों को ईदी दे पा रहे हैं ना, क्यों दीपिका? ऐसे वही खिलाओ ना, पापा चाय पी। अच्छा ठीक है, आ रही है आपकी, तो मैंने बना के रखी। आप पीजिए, आप पीजिए, आप पी लो, मेरी बन जाएगी अभी, आप पीजिए। तो मैं कुछ देर के लिए सो गया था और अभी मैं उठ गया हूँ, और अभी मैं उठा हूँ तो देखो आज ये सारी अरेंजमेंट है यहाँ पे स्पेशली ईद के लिए, क्योंकि अभी तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं है
ऐसे जब मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे भी लॉकडाउन ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ होना नहीं है, थोड़ा कलरफुल लगे ये हैं। यहाँ पे कुछ कैंडल्स आ गई हैं, और यहाँ डाइनिंग में ये खूबसूरत सा ये है। जैसे कि आपको पता है कि दीपिका का जो फ़ोन है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, बातचीत में नहीं, सिर्फ जहाँ वीडियो शूट करते हैं तो वहाँ पे आवाज़ साउंड का थोड़ा सा इशू होता है। तो मैंने ना झंझट ही ख़त्म कर दिया, मैंने कहा अभी तुम बार बार फ़ोन ख़राब करोगी, शूट करोगी, मुझे चाहिए ही नहीं है। तो मैंने उसके लिए एक कैमरा ऑर्डर कर दिया है, अब वो भी कैमरे से व्लॉगिंग करेंगी। व्लॉगिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना? तो व्लॉगिंग अब परफेक्ट होगी। सॉरी मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उठा हूँ। ये क्या बन रहा है? अब ये शाम के लिए ज्यादा शीर कोरमा। शीर कोरमा, शीर कोरमा। देखो इन जनाब को कैसे सो रही है, मस्त सोफे के ऊपर टेक लगा के। हाँ सो जा शीर कोरमा नवाब, सो जा। अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, कुछ खाने बज रहा है, 4 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया है और अब कुछ खाऊंगा। रेहान ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सो रहा तू? जो तुम्हारी ईद थी। ऐसा होता है कि जब भी ईद होती है तो लंच जो है वो हम नीचे करते हैं और फिर डिनर सबका ऊपर होता है। और दीपिका ने आज ऊपर ही अभी लंच मंगा ली क्योंकि वहाँ पे ऊपर वो प्रिपरेशन कर रही है तो जल्दी हो जाता है, इसलिए ऊपर ही खा लेगी और मैं अभी नीचे करने आया हूँ। अम्मी, तो ये आज अम्मी का स्पेशल मटन खा लिया तूने? और नहीं खाना? नहीं। आप खा लो और मटन बनाए। फिर तो अच्छा लग रहा है बहुत। तुम्हारा दिया है अच्छा बनाया मटन, बहुत अच्छा बनाया। नहीं पर अच्छा टेस्ट, अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे लंबी लंबी झालर है तो उसको या तो हम मटन की तरह ऐसे कर देंगे या क्या करेंगे। हमारे रेहान जनाब ऊपर चढ़ के लाइट्स को खोलते हुए, बस बेटा तुम मत आना नीचे साथ में, ध्यान रखना। ये रिजा बहुत शिद्दत के साथ काम में लगी हुई है बिल्कुल। हाँ। रेहान कहाँ छुपा है? रेहान और ओके, ऊपर का तापमान सही है? नहीं, क्या कितना सोया हूँ मैं, क्या कितना सोया हूँ, 12:30 बजे सोया हूँ मैं। ट्विंकल है आपसे, ट्विंकल देखो इनकी मिठाई और चॉकलेट्स लेके आए हैं, सही है, थैंक यू। और ये भी आज यहाँ पे आई हुई हैं, इनको तो आप इनके साथ देखते रहते होंगे इनके चैनल पे, अंकित आजाद यूट्यूब चैनल। ये बन रहा है चिकन कोरमा, और ये रबड़ी आज जलेबी मैंने बाहर से मंगवाई है, शीर कोरमा मेरा बन गया है, बस वही एक चीज है जो बनी है, और दही बड़े के बड़े फ्राई हो गए। और इतना ज्यादा मैं टाइट अप रही हूं कि मैंने अपना ब्लॉग शूट नहीं किया है, तो आप आज प्लीज यही देख। बिरयानी की प्रिपरेशन, ये अच्छा भाई मसाला, ये बिरयानी का मसाला, कोरमा, ये रबड़ी, बॉइल्ड चिकन, ये बड़े, ये प्याज तली हुई, वाह क्या बात है, तभी तो तुम्हारी तारीफ करते हैं इतनी। सुपर, वाह, मैं नहीं करता क्या? सुनी नहीं काफी देर। ओहो, देखो मेरे मुंह पे नहीं करते, करो ना। ओहो, मैं मुंह पे नहीं। अच्छा मैं सब जेन्युइनली शो, आपको कैसा फील होता है किचन में इतनी सारी चीजें बनती हैं, मैं बनाती हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। तारीफ करने बोलो ना, एक वर्ड बोल के निकल लेते, बहुत ज्यादा। और यहाँ मैं अंकित और ट्विंकल के थोड़े से मजे लेते हुए आग लगा के घी डालने वाली चीज करते हुए, तू पोटर ऐसे करता है नहीं, जो देखो जो बात है वो है, जो है जो अंकित बोलता है ना वैसे मैं बस वही बता रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं बोलता वो, ये यहाँ नहीं बोलता हूँ बल्कि अपने ब्लॉग में ऐसे पोर्ट्रेट करता है, मुझे मुझे नहीं।
बेचारा कितना खुश हो गया। जैसे ऐसा बोल दिया उसने, ऐसा बोल दिया, मैंने बोला तू अच्छे कमेंट्स भी देखो, अच्छे भी आते हैं बहुत। सही बात है भाई। ऑन द टीम ये मैडम अब रेडी हो रही हैं। तो अब हो चुकी है शाम, अब आएंगे सारे फ्रेंड्स और अम्मी पापा नीचे से ऊपर। मैं हो गया हूँ रेडी, ये है मेरा आज का कॉस्ट्यूम और बस अब हम सब साथ बैठ के जैसे हमेशा करते हैं कुछ बैठ के साथ बैठ के गपशप करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। और अभी मैडम जो है वो रेडी हो रही है, अम्मी लोग नीचे से आने वाली है, तो बस उनका वेट करते हैं। तब तक मेरा कुछ फोटोशूट चल रहा था और फोटो देखनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा मैं आपको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज भी डाल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब अपना दिल जिगर सब थाम के बैठिए क्योंकि अब तैयार होके आने वाली है मेरे दिल की मलिका यानी कि हमारी मैडम। आइए आइए आइए। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ये, मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बोल सकती हूँ ठीक है इधर आ जाओ, मेरा ब्लॉग है इधर मेरा 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 कैमरा जाओ जाओ। अरे भाई काम के चक्कर में हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। बस अभी कुछ फोटो शूट है, अभी हम कुछ फोटो शूट करेंगे। ये वाली फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, माशाल्लाह आप सब लोगों ने बहुत पसंद की, नहीं देखी है तो जाइए देखिए। फेशियल कराने गए थे, फेशियल देखो शक्ल देखो, शक्ल देखो भाई, फेस वॉश करके आया था। लड़के जो कुर्ता तो बड़ा मस्त लग रहा है, छोटा भाई बड़ा मस्त लग रहा है कुर्ता। चलो सबको ईद मुबारक बोलो, आप सबको ईद ईद बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, खुश रहिए प्यार बाकी, खुश रहिए प्यार बाकी। ये जो उस दिन सबको बहुत पसंद आए थे रश्मि करते वही बनाए हैं, बस आज मैं दोनों तरीके से बना रही हूँ, थोड़ी सेवियों में डिप करके और थोड़ी मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप करके बनाया। और ये अम्मी अपना फोटो शूट करवाते हुए अभी कुछ देर हम इसको उतार देते हैं, थोड़ा खाना वाना खाए, सर्व करें, उसके बाद फिर पहनते हैं। हम दिखा रहे हैं अपने कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वही सारी तैयारी सब हो गई, बस दही बड़े लेके आ रही हूं, थक गई होगी ना। नहीं आज ज्यादा नहीं किया, हां आज बस सास बहू में इतना प्यार, अरे तो ताजी हो रही है देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ करती है। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ता, सब कुछ वही बना देती हूँ। हमारे यहाँ हर ईद पे फिक्स्ड होता है, सुबह का अम्मी बनाती हैं और शाम का मैं, तो सुबह की मुझे टेंशन नहीं होती, हम लोग नीचे जाके खाते हैं। कैसा बना बेटा? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। अम्मी 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 इतना बिजी हो तो समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छा। पापा कैसा थे बेटा? अच्छे अच्छे। हाँ जी बड़ा हमारे यहाँ का दही पल्ले। हाँ जी मस्त है यार, I'm busy, मस्त I'm busy। रेहान नाम है श्वेत की छोटे भाई का, वो तो बाली हुआ है। और यहाँ पे हमेशा की तरह मैं अपना काम करते हुए बिरयानी के चावल और मसाले को मिक्स करते हुए।
ये है रबड़ी जो बनाई है दीपी ने। आज तो खाना बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। देखिए आज मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं आज किचन में बहुत ज्यादा बिजी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, ऐसे कुछ तो मुझे शूट करना चाहिए ना, तो मैंने सोचा चलो शोएब के ब्लॉग में ही सही। तो अभी मैं, सब लोग खाना खा चुके हैं और मैं अम्मी से पूछने जा रही हूँ कि उन्हें खाना कैसा लगा। अम्मी कैसा लगा खाना? खाना बहुत अच्छा, हर चीज अच्छी बनी है, बिरयानी और जो कटलेट जो ईद कोरमा सब बनाया, सब बहुत अच्छा बना। तो हमें कोई तुम्हें पा ही नहीं सकता खाने, किसी की जोड़ी नहीं है। वैसे वो हर बार वाली चीजें ही बनाई मैंने, हाँ। दही बड़ा, क्योंकि वो हम सबकी फेवरेट है, हाँ। तो अभी कहीं ना कहीं हम सबका एक वो बन चुका है कि ईद है तो ये चीजें तो होनी चाहिए, होना चाहिए, बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और सुबह अम्मी ने मटन बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना। अरे हम दो तीन बार रिटेक कर चुके हैं, कोई बात नहीं, इन लोग को फोटो चाहिए, इनको फोटो दे दो, चलो उसके बाद आके चेंज करो, खत्म करो। पापा बताओ कैसे करते हैं, बताओ। हरि पापा चलो उठो, आप आ जाओ, अरे उठो, वो तो बैठा है, उधर वो बैठा है, आप आ जाओ। बताइएगा आप लोग, आज पहली बार आपके शादी में कुर्ते में देखा होगा ऐसे ना, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बताइएगा कैसा लग रहा है कुर्ते में। चलो ये मैडम यहाँ चेंज ऑन करके मस्त आराम से देखो, ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। पहला निवाला आज ईद है, मैं खिलाने आ रहा था, ये मैडम ने खुद ही खा लिया है। तो अभी कैंसिल, अभी कैंसिल, अभी कैंसिल, अभी ये सोचो मैंने नहीं खाया, इसका खिला दो। क्या है ये? दही बड़ा। ये क्या? ओ अच्छा बना, कैसे देख के ही फील कर लेते हैं कि हम भी खा रहे। तो अभी खाना वगैरह हो गया है, अम्मी लोग का अच्छे से सबने खा लिया है, इन लोगों ने भी खा लिया है, मैंने थोड़ा सा खाया है, थोड़ा नहीं खाया है, मीठा मीठा खाया है, तो क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगी, कल से नींद नहीं हुई ना, तो इसलिए मन नहीं कर रहा खाने का। तो बस अम्मी की बहुत ख्वाहिश है, अम्मी मुझे जब से वो आई है तब से बोल रही हूँ, अरे तुम इस बार पूरी सब लोग का वो नहीं ले रहे ईद मुबारक, सब लोग का ईद मुबारक नहीं ले रहे, ऐसे करने वाले। तो अम्मी की फरमाइश पे यहाँ पे जाता हूँ मैं, सब आ रहे हैं। तो स्पेशली अम्मी की फरमाइश पे इब्राहिम फैमिली की तरफ से, हम सब की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो ये था आज का वीडियो ईद का, एज सबको पता है कि ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, देखो एज यूजुअल आप सबको पता है ज़्यादा कुछ करने को है नहीं क्योंकि लॉकडाउन है, तो बस आसपास के जो घर के आसपास रहते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो एक फैमिली की तरह हैं, बस वो लोग साथ में शरीक थे और हम लोग ने ईद की खुशियाँ मनाई हैं। तो अब बस ऐसी आदत हो गई थी, अगर अगर वो लोग ईद पे ना हो तो हमें ऐसे लगेगा शायद हमारी फैमिली पूरी नहीं है, बिल्कुल। तो बस ये था आज का वीडियो, कुछ लोग होते हैं काफी ज्यादा, अगर आपको अच्छा लगा हो, दो पल की खुशी मिली हो, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए हैं, और फिर मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और, आप कल ये जा रही हैं और इस बार लंबे, और इस बार लंबे टाइम के लिए जा रही हैं, पता नहीं, वो से नहीं बोलूंगी, पता नहीं कितने दिन, क्योंकि अब आना जाना नहीं होगा, बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी से सारी शूट्स जो हैं वो मुंबई शिफ्ट हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि कमिटमेंट है, चार दिन में मेजर चंक, मेजर ड्रामा शुरू होने वाला है, तो आप लोगों को देखने में भी मजा आएगा, तो इसीलिए अब मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि एक बार लंबा रुक जाओ, क्योंकि बार बार आना जाना ट्रैवल में वो ज़्यादा रिस्की है, लेकिन मैं अब 10-15 दिन, पता नहीं कितने दिन होते हैं वो, मैं अकेले रहूँगा, पता नहीं कैसे वक्त गुजरेगा, ठीक है ना। वैसे तो पति बन के बड़े कंप्लेन करते रहते हो, हमेशा ऐसे ऐसे मुंह बनाते रहते हो कि परेशान करती है, ये करती वो करती, अब रहो अकेले। वो तो देखो, वो तो हर पति का हक है, लेकिन दिल से नहीं होता, वो सिर्फ मन से ऊपर ही होता है। एनीवेज, आप खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, और जो मर्जी है वो करिए, लेकिन अच्छी चीज़ गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए, लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, और हम सबको पूरी दुनिया को दुआओं में याद रखिए। एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से, शोएका की तरफ से, पूरी इब्राहिम फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।
खैर मुबारक। सलामु अलैकुम, आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको ईद मुबारक। जो छोटे होते हैं ना अपने बच्चे, उनसे थोड़ा सा बचना होता है क्योंकि ईदी देनी पड़ जाती है। जैसे बड़े भाई भी बहुत अच्छे लगते हैं जो मतलब बिना के ईदी दे देते हैं। व्लॉग काफी, आई मीन शुएब इब्राहिम की फैमिली जो उनसे काफी लविंग है, फैमिली लवर है और अच्छी फैमिली मुझे तो याद है। सब एक साथ बच के रहते हैं, आपस में इनका कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। आई मीन केमिस्ट्री इन सब की बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी को मजाक कर रहा है, कोई माइंड वाइंड शायद कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक जैनमैन जिस तरह समुद्री चल रहा है साहब, वो अब घर का माहौल उसी तरह है। सुबह सुबह उठ रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे हो रहे हैं, शुगल मुगल लग रहा है हर चीज, वो एक रेगुलरिटी के साथ उनसे होता है हर बार ईद पे, इसी तरह है। और बाकी व्लॉग काफी अच्छा था। तो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा शुएब इब्राहिम के व्लॉग पे, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और कमेंट लाजमी लीव करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पे जो साथ छोटा सा बना हुआ है बेल आइकॉन, उसके ऊपर सर मार दीजिएगा ताकि ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए हमारी लेटेस्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह।